Students, welcome back to my YouTube channel. Today we are once again going to discuss about 10th chemistry. We have been studying the unit acids, bases and salts. So today our topic is salts and their formation. So far we have completed acids, bases and the pH. Now today we are going to discuss salt and their formations. Before this topic, there's a small topic that is usage of pH in day-to-day life. So that can be done on your notes, that must be written on your books as well. So you can go through your books or you can go through your notes. That's a theoretical topic. That's not that much conceptual. You can go through the book or the notes you have been provided with and you can come over it. If you still feel some problems, you can DM me or you can write on my comment box. So let's move towards the topic, that's salts and their formations. So what actually a salt is? अगर हम सिंपली बताएं, सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड. व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट इज एक्चुअली आयनिक कंपाउंड. नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज आयनिक कंपाउंड? आपने लव क्लास में पढ़ा होगा, आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो आयन्स का बना होता है. दैट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट लाइन, बट फिलहाल आप इस चीज की डेफिनेशन सुन लीजिए. सॉल्ट होता क्या है? Salt is an ionic compound which consists of positive part or positive charge and negative part or negative charge. So simple अगर हमें बताना है, what salt is an actually ionic compound which consists of positive charge and negative charge. That is itself the definition of ionic compound. मतलब अगर मैं simple language में, simple lines में बोलूं, salt एक ionic compound है जो positive part और negative part का बना होता है. सिंपल डेफिनेशन है, ज्यादा इसको एग्जैजुरेट करने की जरूरत भी नहीं है. एग्जाम में भी सिंपल और प्रीसाइज लिखना है. सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट. सो अगर आपको सिंपल एक लाइन में सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है सॉल्ट क्या है, सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट. सिंपल एक लाइन में लिखना है. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट डज दिस लाइन मीन. अगर हम बता रहे हैं सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल, लेट मी कोट अ सिंपल एग्जांपल. सोडियम क्लोराइड, इसकी केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl. सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, इसकी केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl. ठीक, ये एक सॉल्ट है. नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट. लेट्स एनालाइज दिस NaCl. यहां पे एक और पॉइंट मेंशन करना जरूरी है. NaCl जो है, सोडियम क्लोराइड जो है, ये हम घर में यूज करते हैं. इसका दूसरा नाम है कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें घर में इस्तेमाल करते हैं खाने पीने की चीजों में. जो आप नमक लाते हो, टाटा सॉल्ट या कोई भी आप दुकान से लाते हो, वो क्या होता है? वो यही सोडियम क्लोराइड NaCl ही होता है जो घर में हम खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल करते हैं और हम लैब में भी इस्तेमाल करते हैं. से फॉर एग्जाम्पल, आपने ये पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 में, जब आप सोप बनाते हो, सेफोनिफिकेशन करते हो, वहां पे सोप को प्रिसिपिटेट करने के लिए, एक टिकिया बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके सोप के मॉलिक्यूल्स बॉटम पे बैठते और एक शेप पकड़ती है. सो ये लैब में भी इस्तेमाल होता है और घर में तो इस्तेमाल होता ही होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है खाने पीने की चीज में. नाउ हमने डेफिनेशन पढ़ी, सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट. लेट्स एनालाइज दिस NaCl. Na और Cl का बना हुआ है, Na और Cl का बना हुआ है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. वो हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मेशन में. मैंने टॉपिक लिखा था सॉल्ट्स एंड देयर फॉर्मेशंस, वो हम आगे पढ़ेंगे ये बनता कैसे. फिलहाल आप इस स्ट्रक्चर के, इस फॉर्मूला की तरफ ध्यान रखो. Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, दैट मीन्स ये एक आयनिक कंपाउंड है जो दो किस्म के आयन से बना है, पॉजिटिव पार्ट या पॉजिटिव आयन. ये वाला जो हिस्सा है, ये पॉजिटिव पार्ट है इसका या पॉजिटिव आयन है इसका. अगर इस वाले साइड को हम देखें तो ये Cl नेगेटिव है, दैट मीन्स
ये नेगेटिव पार्ट है, या आप यू कह लीजिए एक नेगेटिव आयन है। आयन आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, आयन इज एनी चार्ज इट्स अ पेशी। अगर आप इस बोर्ड के ऊपर भी कोई साइन लगा दो पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी आयन बन जाएगा। कोई भी चीज जिसपे भी कोई भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, वो आयन है। नाउ अगर हम इस फॉर्मूला को देखें, ये वाले साइड में पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव पार्ट बन गया या पॉजिटिव आयन बन गया। ये वाला साइड जो है नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव आयन है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हमने इस वाले इसको पॉजिटिव आयन बोला। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम इस वाले इसको हिस्से को नेगेटिव आयन बोलते हैं। नाउ आपने ये भी नाइन्थ में पढ़ा होगा, पॉजिटिव आयन को हम कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव आयन को हम एनायन बोलते हैं। दैट मीन्स सॉल्ट इज एक्चुअली एन आयनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव पार्ट और पॉजिटिव आयन कॉल्ड कैटायन, एंड नेगेटिव पार्ट नेगेटिव आयन कॉल्ड एनायन। सिंपल सी डेफिनेशन, सॉल्ट इज एक्चुअली एन आयनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट। सिंपल। नाउ यहां पे एक और चीज मेंशन करना जरूरी है, ये जो सॉल्ट है ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जितनी इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही यहां पे नेगेटिव चार्ज भी होगी। ये फॉर एग्जांपल NaCl है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। सोडियम सल्फेट एक और है, ए पॉजिटिव SO4 नेगेटिव। यहां पे दो पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे दो नेगेटिव चार्ज है। तो जितनी पॉजिटिव चार्ज होते उतनी ही नेगेटिव चार्ज होते, इसलिए सॉल्ट क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक, नंबर सेकंड। नंबर थर्ड, अब आप यहां पे जहां पे भी देखोगे ये वाला सॉल्ट जो पॉजिटिव पार्ट है वो एक मेटल है। ये सॉल्ट देख लो, यहां पे जो पॉजिटिव पार्ट है ये भी मेटल है, पोटेशियम क्लोराइड के पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्ट मेटल है। अगर आप यहां पे देखोगे K2SO4 जो पॉजिटिव पार्ट है ये मेटल है, तो यहां पे एक और है K2SO4, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। जो पॉजिटिव पार्ट है पोटेशियम, ये भी एक मेटल है। सो इन जनरल अगर आप कोई भी साल्ट देखो, इसका जो पॉजिटिव पार्ट होता है, जो कैटायनिक पार्ट होता है, वो मेटल होता है। एक्सेप्ट इन साइंस एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्ट अमोनियम सल्फेट, ये बना होता है NH4 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। जो यहां पे पॉजिटिव पार्ट है NH4 है, अमोनिया है, ये मेटल नहीं है। बाकी जो कोई भी साल्ट होगा, जनरल मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, जनरली मेटल होता है। जो पॉजिटिव पार्ट होता है साल्ट का वो जनरली मेटल होता है, बट एक्सेप्शंस आर दिया। अमोनियम सल्फेट में NH4 पॉजिटिव कैटायनिक पार्ट है, और NH4 ये जो अमोनियम सल्फेट है इसकी एक जनरल यूजेज है, ये सब्लिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है। नो देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन आप हायर क्लास में पढ़ोगे। अगर आपके पास NH4 है तो इसको अमोनियम बोलते हैं, ये मैं आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। और जो NH3 है इसको हम अमोनिया बोलते हैं, और जो NH2 है इसको हम एमाइन बोलते हैं। ये एक जनरल डिफरेंस है, ये चीज आपको हायर क्लास में जरूरत लगेंगी, या अगर आप याद रखोगे जहां कहीं भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ये चीजें याद होनी चाहिए। NH4 मीन्स अमोनियम, NH3 मीन्स अमोनिया, NH2 मीन्स एमाइन। नाउ अब बढ़ते हैं फॉर्मेशन की तरफ। बनता कैसे है सॉल्ट, फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं। फॉर्मेशन में पहला जो तरीका है, बनाते कैसे, सॉल्ट कैसे फॉर्म करते हैं। सो अब एक फॉर्मेशन ये भी है, इंडिया में क्या होता है, ये समंदर का पानी निकालते हैं, उसको एवोपरेट करते हैं, जो सॉल्ट बचता है वही यूज करते हैं। या हमारे पास सॉल्ट एनहाइड्राइड्स होते हैं, रॉक सॉल्ट होता है जो कि सेडिमेंटरी रॉक है, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम बात करें यहां पे केमिकल प्रिपरेशन, हम लैब में इसको कैसे सिंथेसाइज करें, वो तो हम फिजिकली इसको कैसे प्रिपेयर करें वो अलग बात है, लेकिन यहां पे मैं बता रहा हूं केमिकली लैब में कैसे इसको सिंथेसाइज करें, लैब में हम कैसे इसको बनाए। नंबर फर्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
ये चीज, ये पॉइंट, ये एक वर्ड आपने सेवंथ से सुना होगा, सेवंथ केमिस्ट्री से आपने सुना होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. मीन्स अगर मैं पहले डिफाइन करूं, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर. मैं यहां पे बता रहा हूं, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस कंप्लीटली टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर. रिमेंबर, फिर से मैं बता रहा हूं, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस कंप्लीटली टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर. एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर. तो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस कंप्लीटली टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. मैंने यहां पे वर्ड इस्तेमाल किया कंप्लीटली. क्यों किया कंप्लीटली? मतलब ये मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं, फिलहाल आप याद रखो डेफिनेशन. व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर कंप्लीटली, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस कंप्लीटली टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाउ तो हमें यहां पे जरूरत साल्ट की है, वाटर को आप एसाइड छोड़ दीजिए क्योंकि हम साल्ट की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं. तो मैं पहले आपको ये चीज एग्जांपल के साथ समझाता हूं. सो फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक एसिड है HCl प्लस NaOH इज गिव्स NaCl प्लस H2O. बैलेंसिंग और डायटोमिक फॉर्म या ऑक्टेट रूल के हिसाब से कौन से एटम की, कौन से मॉलिक्यूल की क्या केमिकल फॉर्मूला होगी वो आप खुद देख लेना. फिलहाल मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूं, बैलेंसिंग एंड ऑक्टेट रूल के हिसाब से किसकी क्या फॉर्मूला है, क्या नंबर लगेगा वो आप देख लेना. मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं. HCl एक एसिड है प्लस बेस गिव्स साल्ट एंड वाटर. नाउ मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था कंप्लीटली. पहले आप एक बात और याद कर लीजिए जो पुराने लेक्चर में हमने पढ़ा था. अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये एसिड है, यहां पे H पॉजिटिव है, यहां पे H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव. सो यहां पे हमारा पुराना कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है. एसिड मीन्स जिसमें H पॉजिटिव मौजूद हो, बेस मीन्स जिसमें OH नेगेटिव मौजूद हो. तो ये मैं इसलिए यहां पे रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जो आपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है वो थोड़ा सा आपको याद आ जाए. सो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको, एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, ये हमने पढ़ा भी है. Now, अगर एक एसिड बेस के साथ मिलता है ये सॉल्ट और वाटर बनाता है, कंप्लीटली क्या होता है? H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव. ये जो H पॉजिटिव है ये इस OH नेगेटिव के साथ मिलके H2O बनाएगा. अब यहां पे Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव मिलके NaCl बनाएगा. ना तो यहां पे कोई रह गया बाकी, ना तो यहां पे कोई बाकी रह गया. जो भी एटम्स थे, जो भी एक्सचेंज हुआ एटम्स का, ग्रुप ऑफ एटम्स का कंप्लीट हुआ. कोई एटम, कोई ग्रुप ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में बाकी नहीं रहा. रिएक्शन कंप्लीट होगी और कंप्लीट ट्रांसफर होगी, इसलिए हम इसको, इस वर्ड इस्तेमाल करते हैं कंप्लीटली. सो एक और पॉइंट भी है जो हम जनरली बताते हैं कि यहां पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है. एसिड बेस का एसिड की जो ताकत है, बेस की जो ताकत है, आपस में एक दूसरे को ये पूरी तरह न्यूट्रलाइज करते, पूरी तरह खत्म करते हैं, तब जाके साल्ट बनता है. ना ये एसिड, हाँ जिस तरह एसिड और बेस हार्मफुल है, साल्ट हार्मफुल नहीं है. ना आप इसको पी सकते हो, ना आप इसको खा सकते हो, लेकिन ये हम डे टू डे लाइफ में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो पूरी तरह एक दूसरे की फोर्स, एक दूसरे का ताकत ये न्यूट्रलाइज कर लेते हैं. तो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहां पे साल्ट बनते हैं. नाउ नंबर सेकंड, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स. अगर हमारे पास कोई एसिड है, जब ये मेटल के साथ मिलता है ये भी साल्ट बनाता है. एसिड प्लस मेटल गिव्स साल्ट. एग्जाम्पल, सिंपल एक एग्जाम्पल देता हूं. अगर मेरे पास कोई मेटल है, से फॉर एग्जांपल जिंक, इसके साथ में एक एसिड डालता हूं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस H2. वही जो हमने पिछले पढ़ा है, पीछे पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
जिक ने सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन से एच को डिस्प्लेस किया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर। तो यहां पे साल्ट बन गया जिंक सल्फेट। ओके नाउ नंबर सेकेंड, मैग्नीशियम प्लस एच सी एल गिवस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस एच टू। सो मैग्नीशियम हमारे पास है, ये एक एसिड से मिलेगा, मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस एच टू, यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ये कुछ एग्जांपल है, मेटल को एसिड के साथ ट्रीट करेंगे वहां पे भी सॉल्ट बनेगा। नाउ अगर हम इसी एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे, तो मेटल कार्बोनेट क्या होता है, मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मेटल है तो ये मेटल कार्बोनेट है। अगर हम मेटल कार्बोनेट के साथ फॉर एग्जांपल कोई एसिड रखे, से फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहां पे क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ये हमने पढ़ा है कि जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट किसी चीज के साथ मिलता है वहां पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यहां पे एसिड के साथ मिल रहा है इसलिए यहां पे हमें साल्ट बन रहा है। ये बाय प्रोडक्ट से वाटर हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इवेपोरेट होगा बाहर निकल जाएगा, तो हमें साल्ट चाहिए कैल्शियम क्लोराइड। यहां मेरे पास है, आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पुकारे या सोडियम बाइकार्बोनेट बोले, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या मेटल बाइकार्बोनेट बोले, वन एट द सेम। तो ये मैं एक एसिड के साथ डाल रहा हूं, सो यहां पे क्या बनेगा, वही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो यहां पे भी मुझे साल्ट बन गया सोडियम सल्फेट। सो नंबर फोर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस और अल्कलीज। ये हमने पीछे पढ़ा है बेस और अल्कली में क्या फर्क है पिछले वीडियो में। नाउ अगर कोई मेटल हम बेस या अल्कली के साथ डाल दे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेटल है सोडियम, ठीक, सोडियम के सॉरी मेरे पास एक मेटल है जिंक, जिंक को मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डाल दूंगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो मैं एक मेटल को एक बेस के साथ डालता हूं, Na2 ZnO2, सो दैट मीन्स बैलेंसिंग आप खुद कर लीजिए, रेडिकल डेसिमल कहां पे कौन सा आएगा, तो दैट मीन्स अगर मैं सिंपली आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो Na2 ZnO2 प्लस H2। अब आप देख लीजिएगा रिएक्शन कैसे क्या हो रही है, मेरा मतलब इस चीज से है। तो यहां पे भी साल्ट बन गया, अब एक मेटल को बेस के साथ डाल देंगे यहां पे भी साल्ट बन गया, इस साल्ट को हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सो इन नेक्स्ट वीडियोस वी विल गो फर्दर इन दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो डीएम मी और यू कैन कॉल मी और यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स।